जो भी पैराग्लाइडिंग साइट जो है वो 16 तारीख को खोली गई है। ये इस तकरीबन एक माह के लगभग जो है ये बंद रही, और इसमें जो है तकनीकी समिति ने जांच की थी, क्योंकि डोबी में एक हादसा हुआ था, उसके बाद जो निर्देश हुए थे, दिशा निर्देश, उसके अनुसार जो है तकनीकी कमेटी ने जो है वहाँ पे विजिट किया, वहाँ पे क्या क्या इश्यूज थे और किस तरह से सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो टूरिस्ट की बढ़ाई जाए, उस पर जो है वो तकनीकी समिति द्वारा चर्चा की गई थी, और कुछ जो है वो गाइडलाइन जारी किए गए थे जिसकी कंप्लायंस जो है वो एसोसिएशंस ने दी है। उसके पश्चात ही जो है डोभी में फ्लाइंग के लिए दोबारा अनुमति दी गई है। मार्शल्स जो है वो जो हमने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से रखने हैं, उसमें तो अभी प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया जारी है, परंतु जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की है मार्शल्स की, और जिसकी डेली बेसिस पे हमें डिटेल्स आती है, रिपोर्ट आती है, कब फ्लाइंग कौन से साइट पे कब फ्लाइंग चालू हो रही है, कब बंद हो रही है, वो सारी डिटेल्स जो एसोसिएशन द्वारा दी जा रही है। और जहाँ तक सिंगल काउंटर की बात है, तो कुल्लू जिले में जितनी भी पैराग्लाइडिंग आज की डेट में हो रही है, सब जगह जो है वो सिंगल काउंटर का जो मैकेनिज्म है वो लागू कर दिया गया है। जी में जो है वो टेंडर जो है वो इशू कर दिया गया है, और इस वहाँ पे जो है फिलहाल जो इक्विपमेंट ऑलरेडी जो हमारे पास सोसाइटी के पास उपलब्ध है, उसका ही जो है वो टेंडर किया गया है, जिसमें कि जेट स्कीज हैं, जेटोवेटर्स हैं, साथ ही साथ जो कैफेटेरिया बिल्डिंग है वो भी बन के तैयार हो गई है, तो वो भी वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के साथ जो है उसका भी जो उसको भी लीज पे दिया जाएगा, जिससे कि लारजी का वो जो क्षेत्र है वो आने वाले समय में टूरिस्ट के लिए एक मेजर अट्रैक्शन के रूप में सामने आएगा। देखिए अभी तो टेंडर प्रक्रिया जो है वो चालू की गई है, और आचार संहिता भी क्योंकि लागू हो गई है, तो ये सब देख के इन सब चीजों के मद्देनजर हम उम्मीद कर रहे हैं कि मिड ऑफ जून के आसपास जो है ये हम शुरू कर पाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।